सी गलियों की स्थिति क्यों है, नालियों की स्थिति क्यों है, सड़कें खराब है। आप आगे जैसे जैसे जाएंगे सड़कों की स्थिति ऐसी ही है। लोगों का कहना है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है, लेकिन सड़कों की स्थिति कब से ऐसे ही है, बारिश में ऐसे ही रहती है। बारिश में हाँ जी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे एक ही लोटे से निकलते हैं। अच्छा, विधायक साहब ने अभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना भाई, किया तो देखना वो भाई, भाई उधर दिखा वो काम। ये विधायक जी ने नाली बनवाई थी, ये देखो जी नाली बनी है, साल भर हुई है। अच्छा, वो देखो अगले के मकान बैठ गया पूरा ये। अच्छा, विधायक जी की मेहरबानी देख लो, ये साल पहले पानी की लाइन पड़ी थी, आज तक चालू नहीं है। अच्छा, आज तक लाइन पड़ी है, वो न चालू है न कुछ है। हाँ, सड़क का सत्यानाश कर गए सामने आपके। अच्छा, विधायक जी के कारनामा देखो, इनकी बिजली विभाग का फ्री बिजली दे रहे हैं, मुखम्बा देखो, जो गाड़ी निकलती है इसमें उलझती है, तार संग ले जाती है आपके घर के, तार उलझ जाते हैं। अभी तो कूड़ा भर रहा, हमें कीड़े पड़ेंगे और कीड़े पड़ भी रहे हैं, कुछ भी लाके कुछ भी काम नहीं चाहिए हमें, आम आदमी चाहिए ही नहीं। अच्छा, शुरू में तो करा है। अच्छा, शुरू में काम हुए थे। हाँ। अच्छा, अब काम नहीं हो रहा, अब तो काफी टाइम से दिखाई नहीं दे रहे, देख लो आप खुद हालात देख सकते हो यहाँ पर। अच्छा, पूरे संगम वेयर की स्थिति ऐसी ही है। हाँ, पहले तो उन्होंने तो यहाँ तक की बात ये कर रहे थे कि यहाँ पे 8 फुट से ऊपर छज्जे होने चाहिए। अच्छा, मैंने अपना छज्जा कटा दिया, देखो एलकोने पे वो रहा मेरा घर। अच्छा, ठीक है, और किसी का नहीं कटे। अच्छा, और क्या विकास काम नहीं किया उन्होंने? बाकी उन्होंने बहुत कुछ नहीं करा, अभी सीवर पर डली है क्योंकि कनेक्शन नहीं हुआ, चालू नहीं हुई। सीवर के कनेक्शन चालू नहीं, पानी की लाइन डली हुई है मगर उसमें कालाबाजारी हो रही है। अच्छा। अपने अपनी मनमर्जी से डाल देते हैं, बेच देंगे, कोई खरीदता लाइन तो मिलती है। टीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप NCR समाचार देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। इस समय हम लोग मौजूद हैं संगम विहार में। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले हम संगम विहार का जायज़ा ले रहे हैं कि यहां के विधायक दिनेश मोहनिया ने कितना विकास किया है, जिसके दम पर वो अगले साल जनता से वोट मांगेंगे। सबसे पहले आपको संगम विहार की गली नंबर 1 की तस्वीर दिखाते हैं, बारिश के बाद और नॉर्मल दिनों में यहाँ की स्थिति कैसी रहती है ये देख लीजिए। यहाँ पे विकास के तमाम दावे होते हैं, लेकिन जो विकास हुआ है वो आपके सामने है। गलियों की स्थिति ऐसी है कि इंसानों का गुजरना भी इस गली से मुश्किल हो रहा है। नालियाँ ऐसी ही टूटी पड़ी है, सीवर का काम जारी है, विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। दिनेश मोहनिया का कहना है कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही जेल में हैं तो आखिर काम कैसे होगा। लेकिन सवाल है कि जेल में तो वो अभी कुछ दिन पहले गए थे, सरकार तो पिछले 10 सालों से है, तो फिर विकास क्यों नहीं हुआ, ऐसी गलियों की स्थिति क्यों है, नालियों की स्थिति क्यों है, सड़कें खराब है। आप आगे जैसे जैसे जाएंगे सड़कों की स्थिति ऐसी ही है। लोगों का कहना है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है, लेकिन अब अगले साल चुनाव भी होना है तो जो नेता है वो वोट मांगने जनता से ज़रूर आएंगे, तो जनता भी सवाल पूछेगी। और उससे पहले सवाल हम लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर संगम विहार में कितना विकास हुआ है और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक महिला मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आखिर संगम विहार में कब से रह रही है माता जी? हम तो बहुत साल से रह रहे हैं। बहुत सालों से रह रही है, तो ये सड़कों की स्थिति कब से ऐसी है? ऐसे ही है, बारिश में ऐसे ही रहती है। बारिश में ऐसे ही? हाँ जी। अच्छा, ये कभी बनी हुई है कि नहीं सड़कें? कभी एक बार बनी थी, ये ज्यादा जाने लायक नहीं था तो लोगों ने मलबा डाला है। अच्छा, ठीक है। इसको भी उठाने का वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो दिनेश मोहनिया जो विधायक, उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया है? अभी तो क्या करवाए, खोद खोद के रख रखा है। अच्छा, कभी दिनेश मोहनिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं किसी से मुलाकात हुई? हमसे नहीं हुआ किसी से, कोई गली में घूमने तक नहीं आता? नहीं, हमारे से कोई। अच्छा, काम कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, एक दो बार तो हुआ है। एक दो बार काम हुआ है? हाँ। तो यहाँ के जो विधायक है उन्होंने कुछ काम कराया है आपको लगता है? वही एक दो बार इसमें हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। तो ये तो बहुत 10 साल से ऐसे है, चल रहा है 10 सालों से ऐसे ही है। क्या लग रहा है अगले साल चुनाव होना है, अगर ऐसे काम होगा तो आएंगे दिनेश मोहनिया जी, लग रहा है आपको? मैं क्या बताऊँ, आएंगे नहीं आएंगे वो तो पब्लिक सब कर... अभी तो जब वोटर है ना। हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं, बस एक दो बार हुआ है, काम नहीं हुआ है कभी। अच्छा, ऐसे ही खराब है? हाँ। अच्छा। ये 10 साल से खराब है। अच्छा, 10 साल से? 10 साल से यही इसी है। 10 साल से सर, अभी बारिश हुआ तो इतना पानी हो जाता है, पानी लग जाता है। और क्या परेशानी है आप लोगों को? पानी एक सबसे ज्यादा परेशानी है। लग रहा है कि अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले संगम विहार के विधायक जो है इधर के, दिनेश मोहनिया जी, कुछ काम हुआ है? है? कुछ काम हुआ है? सबरे एक ही थैली के चट्टे बट्टे एक ही लोटे से निकलते हैं। अच्छा,
विधायक साहब ने अभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना भाई, किया तो देख ना वो भाई, तो भाई उधर दिखा वो काम भाई, थोड़ा उधर भी घुमा दे, आप माँ की फोटो खींच के लेके जाओ, इतना सरकार अच्छा कर रही है, सड़ रहा है काम किया भाई देखो, एक एक करके बोलिए माइक में, और एक चीज दिखाऊं, आओ इन्होंने काम किया, आओ दिखाऊं, आओ मैं काम दिखाऊं। ये विधायक जी ने नाली बनवाई थी, ये देखो जी नाली बनी है, साल भर हुई है, वो देखो अगले के मकान बैठ गया पूरा ये, अच्छा विधायक जी की मेहरबानी देख लो ये, और आओ विधायक जी की मेहरबानी, और देखो हमारे पास सबूत में, ये देखो विधायक जी की मेहरबानी दे रही, यहाँ नाली बैठ गई हमारे घर में, पाँच हजार सारी नाली, अच्छा कुछ भी काम नहीं हुआ है तो काम भाई से बहुत हुआ है, देखो यहाँ चार साल पहले पानी की लाइन पड़ी थी, आज तक चालू नहीं है, अच्छा आज तक लाइन पड़ी है, वो न चालू है न कुछ है, हाँ सड़क का सत्यानाश कर गए सामने आपके, अच्छा मेरे सामने है खूब देखो, अच्छा इधर भी संग जरा, हाँ, हाँ, ये भी दिखाओ, अच्छा क्या लग रहा है कि अब जब आप ऐसी सड़कों की स्थिति दिखा रहे हैं, विधायक जी के कारनामा देखो, इनकी बिजली विभाग का फ्री बिजली दे रहे हैं, मुखम्बा देखो, अच्छा। जो गाड़ी निकलती है इसमें उलझती है, तार संग ले जाती है, अच्छा। आपके घर के तार उलझ जाते हैं, तो देखो बिजली के जमगढ़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तार अंडरग्राउंड डालो, सड़क पार नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, ठीक है धन्यवाद, ठीक है आप भैया एक विधायक जी ने जो काम किया देखो, दिखा दो जो अब ये विधायक जी का काम देख लो, दिखा दो तू, हाँ दिखा दीजिए, हाँ दिखाइए विधायक जी का काम देखो जी, हमारे सुंदर पानी भरा हुआ है, जाओ तो खुशबू आई, दिखाओ ये देखो, और इधर दिखा लो भैया, इधर नालियाँ भरी पड़ी है पूरी गली में देख लो, अच्छा विधायक जी, ये विधायक जी का काम, हाँ जी इससे बढ़िया काम, 10 सालों से आप लोगों ने ही चुना है विधायक जी को, हम तो आते हैं उंगली भी नहीं दिखाई, नहीं दिया उंगली ना, आम आदमी पार्टी सरकार है, आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, घंटा ना दूं, अच्छा और क्या, तो अगले साल भी तो चुनाव है सारा, भी जो 5 रुपए किराया 19 नंबर से यहाँ तक चलता था, 20 रुपए किराया लगता है यहाँ से, पता है 10 रुपए, और वो तो कहते हैं इतना विकास कर दिया कि पेरिस लंदन बना दिया, आप कह रहे हैं विकास कर रहा है, लंदन तो बना ही देगा कुछ भैया, हाँ, सामने विधायक जी का काम, हाँ, क्या कूड़ा, अच्छा ठीक है, हाँ आप बोलिए, आप हम अपने संगम बिहार में रहते हैं, हमें उसमें उसने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, क्या किया है, बिजली फ्री मिल रहा है, क्या है कि फ्री मिल रहा है, आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ फ्री है, नहीं एक बात बताओ क्या फ्री है, 8 रुपए यूनिट हम बिजली का बिल देते हैं ना, झाड़ू हम अपने आप लगाते हैं, कूड़ा हम अपने आप, या कूड़ा उठाने तक की तो सुविधा नहीं, क्या सुविधा है बताओ आप, गाड़ी आती है उसमें कूड़ा गाड़ी आती है, कूड़ा भांगड़े डालने जाओ और ऐसे डलवाता है कूड़ा जैसे, अब उसके गाड़ी पर भीख मांगने बंदा क्या हो, जहाँ रुक गया ठीक है, तुमने आपने रोका कूड़ा गाड़ी नहीं रुकती, निगम पार्षद की शक्ल एक बार देखी दोबारा नहीं देखी, जनवरी की ये लाइट थी बंद, हाँ, पड़ी थी 3-4 महीने से, हाथ जोड़े उनके निगम, हाँ, पार्षद के, भाई साहब, हाँ, हमारी लाइट देख लो, बोले फंड आएगा तब, हाँ, सही होगी, उसके बाद बिजली वाले आए उनके हाथ जोड़े, उन्होंने तार खींचे सही, अच्छा, कर दिए, सही हो गए, निगम पार्षद ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, अच्छा किसी ने कुछ नहीं किया, अच्छा ठीक है, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो बसों में महिलाओं के लिए बस तो फ्री है ना, केजरीवाल एक बात है, जो बसों में घूमता हो उनसे पूछो, ना हम बसों में जाते ना हमें पता, बीजेपी की सरकार आएगा तब साफ होगा, बीजेपी की सरकार आएगी तब, बिल्कुल आने देंगे बीजेपी, बिल्कुल बस, अच्छा केजरीवाल जी तो बाहर आ गए, इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री, अभी तो कोर्ट वो कर रखा है तो क्या करेंगे, कोर्ट उसको साइन करने के लिए मना कर रखा है तो क्या करेगा, अच्छा बोल रहे हैं इस्तीफा दे रहे हैं, और क्या इस्तीफा, अगले साल जनता फिर उनको चुनेगी, ड्रामा लोकपाल कहाँ गया उसका, अच्छा लोकपाल पर आया था यहाँ कुर्सी ले लिया चूतिया बना कर सबके, अच्छा ठीक है छोड़िए, दिनेश मोनिया जी के बारे में बताइए, कोई नहीं आता भैया यहाँ पर, कोई नहीं आते, अच्छा तो 10 सालों से वोट आप लोगों ने ही दिया है ना, ना हम लोग तो बीजेपी को देते हैं, आप लोग बीजेपी को देते हैं, बिल्कुल, तो क्या लग रहा है अगले साल विधानसभा चुनाव है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी आएगी, बांसुरी स्वराज आएगी, अच्छा तो बीजेपी आपको लग रहा है कि काम करेगी, बिल्कुल क्यों नहीं करेगा, देखो वहाँ देखो यूपी में देखो, अच्छा डेली गोली लगता है टक टक, अच्छा यूपी में तो योगी जी, यहाँ भी आएगा ना योगी आ जाएगा ना कोई ना कोई, अच्छा और बहुत है योगी, अच्छा यहाँ भी चाहिए आपको, बिल्कुल नंगौटाधारी चाहिए बिल्कुल, अच्छा और मोदी जी तो है, जब 10 साल रहेंगे वो, अच्छा लेकिन केजरीवाल जी कह रहे रहेंगे तो हम ही दिल्ली में, अजी वो कहा उनको बहुत प्यार करती है, कुछ नहीं प्यार करता है सबके, 8 रुपए आवाज नहीं आई है, बोलो 8 रुपए बिजली के पैसे देना पड़ता है हम लोग का किराया मकान मालिक के, अच्छा और समस्या बहुत है, बहुत समस्या है, हाँ ये बात तो है, काम होना चाहिए, कहने का मतलब है जितना विकास और जितना काम होना चाहिए
उतना नहीं हुआ है, यही कहना है ना? यहाँ दीदी का पैसा दूसरा जगह लग रहा है भाई। अच्छा। सारे इलेक्शन में। अच्छा। और किस चीज में पैसा लगा दे रहे हैं? दूसरा जगह इलेक्शन नहीं हो रहा, उसमें खर्च नहीं हो रहा। अच्छा। दिल्ली के पैसे जा रहे हैं और कहाँ से जा रहा है? अच्छा, दिल्ली के पैसे। और क्या, दिल्ली के पैसे जा रहे भैया, दिल्ली के। साल विधानसभा चुनाव से पहले दिनेश मोहनिया जी यहाँ के विधायक है, कुछ काम किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, तोड़ते हैं फिर बनवा देते हैं, फिर तोड़ते हैं फिर बनवा देते हैं। अच्छा, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया? नहीं। अच्छा, 10 सालों से विधायक है। हाँ। ना हमने तो नहीं दिया ना वोट। अच्छा, वोट नहीं दिया वाले दूसरे होंगे, हम तो बीजेपी को दिए। अच्छा, आपने बीजेपी को वोट दिया? क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ काम नहीं किया उन्होंने? अब लगने को दिख रहा है ना आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, देख लो आप सामने ही है। अच्छा। हाँ, तो हर जगह पूरे संगम यार की स्थिति ऐसी ही है? करीब 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 स्थिति, दो चार गली होने से थोड़ी ना हो जाता कुछ। अच्छा। उनकी पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा काम किया है, बीजेपी वाले तो बस ऐसे ही बोलते हैं। कहने को तो सब अपनी बड़ाई करते हैं, मगर जनता ही बताएगी ना कितना किया है कि नहीं किया। अपनी बुराई कौन करता है? आप कहोगे कि मैं गलत हूँ? नहीं, ये तो बात है। अच्छा, फिर ऐसी बात आप कर रहे हो तो पिछले बार भी चुनाव हुए थे, फिर आम आदमी मेरे एक अकेले वोट देने से नहीं होगा ना, सबकी राय अलग अलग है, मेरी राय यही है। अच्छा। हाँ। आपकी राय कि दिनेश मोहनिया जी काम नहीं किया? हाँ, कुछ भी। दिनेश मोहनिया जी ने कुछ काम किया है? शुरू में तो करा है। अच्छा, शुरू में काम हुए थे? हाँ। अच्छा, अब काम नहीं हो रहा? अब तो काफी टाइम से दिखाई नहीं दे रहे, देख लो आप खुद हालात देख सकते हो यहाँ पर। अच्छा, पूरे संगम वेयर की स्थिति ऐसी ही है? हाँ, पहले तो उन्होंने तो यहाँ तक की वादे कर रहे थे कि यहाँ पे 8 फुट से ऊपर छज्जे होने चाहिए। अच्छा, मैंने अपना छज्जा कटा दिया, देखो एल कोने पे वो रहा मेरा घर। अच्छा, ठीक है, और किसी का नहीं कटे। अच्छा, और क्या विकास काम नहीं किया उन्होंने? बाकी उन्होंने बहुत कुछ नहीं करा, अभी सीवर पर डली है क्योंकि कनेक्शन नहीं हुआ, चालू नहीं हुई। अच्छा, सीवर के कनेक्शन चालू नहीं, पानी की लाइन डली हुई है मगर उसमें कालाबाजारी हो रही है, अपने अपनी मनमर्जी से डाल देते हैं, बेच देंगे, कोई खरीदता लाइन तो मिलती है। कभी शिकायत किया आप लोगों ने? हमने कई बार कोशिश करी। अच्छा, उनसे मुलाकात होनी चाहिए। हाँ, आम आदमी पार्टी का यानी सबसे ऑफिस पे जाके कई बार हमने कोशिशें करी है मिलने की, बात करने की, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, धन्यवाद भाई। तो साफ लोगों का कहना है कि जितना विकास का काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी और यहाँ के जो विधायक है दिनेश मोहनिया जी ने, वो विकास नहीं कर पाए हैं। अब जनता फैसला करेगी कि अगले साल विधानसभा चुनाव होगी तो फिर कौन आएगा। आप NCR समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।